So if you're planning a 1 week trip to Arunachal Pradesh, specifically अगर तुम तवांग की road trip plan कर रहे हो, then this video is just for you. मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि वहाँ तक पहुँचना कैसे है, वहाँ कहाँ कहाँ रुकना है, क्या क्या घूमना है, वहाँ के लिए passes कौन से चाहिए, permissions कौन से चाहिए, and इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं उसमें तुम्हें बताऊंगा कि इस एक वीक के itinerary के अलावा और कौन से experiences है जो तुम कर सकते हो और कौन सी अलग जगह है जो तुम घूम सकते हो अगर तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है या कम टाइम है तो कैसे कैसे प्लान करना है. अब अरुणाचल जाने के लिए जो एक चीज तुम्हें पहले सॉर्ट करनी है वो है वहाँ का इनर लाइन परमिट ले लेना. ये कैसे लेना है? अरुणाचल की स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाओ, इनर लाइन परमिट के लिए अप्लाई करो, एक हफ्ते में आ जाएगा, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है. वहाँ पे बस बता दो तुम्हें कहाँ कहाँ घूमना है, कौन सी डेट से कौन सी डेट के लिए आ रहे हो तुम, और तुम्हारा परमिट आ जाएगा. उसके बिना अरुणाचल तुम नहीं घूम पाओगे. तो ILP के लिए अप्लाई कर देना. तो जो तुम्हारी एक वीक की आइटनरी है ना, उससे एक दिन पहले तुम गुवाहाटी पहुंच जाओ या फिर ईटानगर पहुंच जाओ. गुवाहाटी और ईटानगर दोनों जगह ही रेलवे स्टेशन है, दोनों जगह ही एयरपोर्ट है, तो तुम जैसे भी आना आ सकते हो, अपनी गाड़ी है तो वहां पे भी आ सकते हो. अब यहां से आगे अरुणाचल कैसे जाना है? अब मैं तुम्हें पहले जिस दे देता हूँ और भी तुम्हारी ट्रिप लगने कैसे वाली है, कौन कौन सी जगह जाने वाले हो. तो तुम्हारी ट्रिप स्टार्ट होगी या तो गुवाहाटी या ईटानगर, जहां पे भी तुम आओगे वहां से. उसके बाद हमें 2-3 दिन के लिए देरांग जाना है, उसके बाद हमें 2 दिन के लिए तवांग जाना है. नाउ डे 1 ऑफ योर ट्रिप, आज तुम गुवाहाटी या ईटानगर जहाँ पे भी हो वहां से आज तुम्हें जाना देरांग, और आज का पूरा दिन इसी में निकल जाएगा. नाउ अगर तुम अपनी गाड़ी से आए हो तो तुम उसमें जाओ, या फिर अगर तुम्हें अपनी पर्सनल टैक्सी करनी है जो कि 4,000-5,000 रुपए दिन की मिलती है विद टैक्सी ड्राइवर, तो तुम वो भी कर सकते हो, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. बट अगर तुम एक सोलो ट्रैवलर है देन बेस्ट जो तुम्हारे लिए चीज है जाने की वो है एक शेयरिंग सुमो में जाना. तुम्हें शेयरिंग सुमो 1,000-1,200 रुपए में मिल जाएगी, चाहे तुम गुवाहाटी से जा रहे हो चाहे तुम ईटानगर से जा रहे हो. और तुम्हें देरांग जाना है, और गुवाहाटी और ईटानगर दोनों से ही देरांग का रास्ता लगभग 300 किलोमीटर के आसपास है, और दोनों जगह से ही लगभग 9 घंटे लग जाते हैं. तो सुबह सुबह आज तुम निकल जाओ देरांग की तरफ. ना आज जब तुम देरांग पहुंचोगे तो देरांग में बहुत सारे होम्स हैं रुकने के लिए, तुम कहीं भी रुक सकते हो, सारे अच्छे हैं मोस्टली वहाँ पे. बट जो मेरा फेवरेट है, जहाँ मैं रुका था पर्सनली, वो मैं सजेस्ट करूंगा वहाँ रुकना तुम गोनपा लोक होमस्टे में. वहाँ के होस्ट बहुत अच्छे हैं, वहाँ के रूम्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है, वो होमस्टे जस्ट परफेक्ट है. और अगर तुम चाहो तो तुम देरांग में मोनास्ट्री में भी रुक सकते हो. अब डे 1 हमारा पूरा ट्रैवलिंग में निकल गया और हम देरांग आ गए हैं, और नेक्स्ट 2 दिन हमें देरांग घूमना है. नाउ डे 2, अगर तुम्हें देरांग घूमना है ना, तो तुम वहाँ पे एक बाइक हायर कर लो. बाइक कहाँ से हायर करनी है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में. आज बाइक हायर करने के बाद ना तुम्हें मेनली 2 जगहों पे जाना है. पहली जगह कौन सी है? एक तो देरांग की मेन मोनास्ट्री है. जब तुम देरांग एंटर करते हो ना तो तुम्हें ऊपर बहुत ही बड़ी मोनास्ट्री दिखेगी, उसका नाम है थुपसुंग दारगे लिंग. आज सुबह वहां पर जाना है, वो अभी नहीं खुली है मोनास्ट्री, और वो मोनास्ट्री बहुत ही ज्यादा गजब है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है. वहां से व्यूज भी बहुत बढ़िया है और मोनास्ट्री भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है. और इस मोनास्ट्री में रूम्स भी मिलते हैं, तो अगर तुम्हें किसी होटल या होमस्टे में नहीं रुकना तो तुम इस मोनास्ट्री में भी रुक सकते हो. ये जगह देरांग मार्केट से मुश्किल से 5-10 मिनट दूरी है. अब इसके बाद तुम्हें जाना है लुब्रांग, जो कि देरांग मेन मार्केट से 1-1.5 घंटा लगता है जाने में, और थोड़ी ऊपर पहाड़ी पे जाके है. ना लुब्रांग में क्या है, लुब्रांग इज जस्ट ओपन फील्ड एरिया जहाँ तुम्हें याक सी याक मिलेंगे. वहां पर तुम याक का चीज वगैरह ट्राई करो, बढ़िया जगह. अब डे 3 की बारी, आज हम देरांग की सबसे सुंदर जगह घूमने वाले हैं. एक चीज बता दूं, क्योंकि अरुणाचल ईस्ट साइड में है तो वहां पे ना सनराइज बहुत जल्दी आता है, सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है. तो तुम अपना दिन सुबह सुबह स्टार्ट कर देना, तो तुम सुबह उठो और पहुंच जाओ सांगती वैली, जो कि सिर्फ 1/2 घंटा दूर है देरांग से. सांगती वैली में जाओ, वहाँ किसी होम स्टे में खाना पीना करो, वहाँ अच्छी खासी रिवर है, ओपन ग्रीन फील्ड है, वहाँ पे चिल करो. वहाँ पे तुम पिकनिक के लिए जा सकते हो, अगर दोस्तों के साथ गए या अकेले भी गए हो तो तुम वहाँ जाकर चिल कर सकते हो, बहुत ही अच्छी जगह है. अब सांगती वैली में थोड़ी देर चिल करने के बाद हमें जाना है मंडाला टॉप, जो कि वहाँ से 1-1.5 घंटा दूर है, और वो पहाड़ के ऊपर एक बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ 108 स्तूपा है. बट वहाँ मेनली लोग 108 स्तूपा देखने नहीं जाते हैं, वहाँ की जो रोड ट्रिप है, वहाँ पे ऊपर जो वादियाँ हैं, वहाँ जो पेड़ है, और स्पेशली वहाँ से जो नीचे का व्यू दिखता है, नीचे का व्यू क्या दिखता है, वहाँ पे जो नीचे बादल ही बादल दिखते हैं ना, तुम बादलों के बीच में होगे, एक पॉइंट पे तुम बादलों से ऊपर ही होगे और नीचे पूरी बादलों की लेयर होगी. और मैंने जितना घूमा है पर्सनली, वो इंडिया में मेरे फेवरेट स्पॉट्स में से है, अगर सिर्फ सुंदरता की बात करी जाए तो. मंडाला टॉप तो तुम छोड़ ही नहीं सकते, मतलब वो इस ट्रिप के बेस्ट पॉइंट्स में से एक है, तो मंडाला टॉप होके आना है. इसके बाद तुम वापस अपने होम स्टे आ जाना. और एक और बात बताता हूँ, गोनपा लोक होम स्टे जो है ना, तो जो उसके ओनर है ताशी भाई, उनका ना अपना बहुत बड़ा फार्म है, तो अगर तुम्हारे पास टाइम हो ना तो एकदम सुबह उठ के ना वो फार्म पूरा घूमना, वो बहुत सुंदर फार्म है, वो हर टाइप की सब्जी फल आप वो काटो तक उगता है वहाँ, तो वो सब घूम के पूरा आना. नाउ डे 4, आज हमें जाना है तवांग की तरफ. और तवांग जाना कैसे है? भाई शेयरिंग सुमो में 700-800 रुपये पर सीट होगी, सुबह 8 बजे के आसपास सुमो पकड़ो और तुम तवांग के लिए निकल जाओ. नाउ तवांग का रास्ता वैसे तो 5-6 घंटे दूर है वहाँ से, बट थोड़ा टाइम लग सकता है अगर ट्रैफिक वगैरह हो वहाँ का लोकल, और तुम्हें बीच में एक दो जगह घूमने भी है. तो तवांग जब तुम जा रहे हो ना, तो तुम बादलों के बीच से निकल रहे होगे, बहुत ही सुंदर रास्ता है, मतलब फुल पावर बादलों से निकलोगे, नीचे मस्त वैली दिखेगी, काफी सुंदर. और एक पॉइंट पे तवांग की सबसे ब्यूटीफुल जगहों में से एक, नॉट तवांग की बट उस रास्ते के बीच में वो आएगी, और उस जगह का नाम है सेला पास. तो थोड़ी देर 15-20 मिनट आधा घंटा रुक के सेला पास पे थोड़ा चिल करना.
वहाँ पे एक सुंदर सी लेक है और मेजेस्टिक माउंटेन्स है, तो वहाँ पे रुकना तो बनता ही है। अब सेला पास से निकल के जब तुम तवांग जा रहे हो ना, तो रास्ता बहुत ही सुंदर होगा। जैसे लद्दाख के कुछ रास्ते बहुत सुंदर है ना, वैसे इस जगह के रास्ते उतने ही सुंदर है। नाउ सेला पास से यूजुअली लोग तवांग निकल जाते हैं, बट बीच में ना एक डिवर्जन आता है जहाँ से तुम थोड़ी देर के लिए चिल करने जा सकते हो नूरानांग वाटरफॉल की तरफ। मे बी तुम्हें शेयरिंग टैक्सी वाला नहीं ले जाए, उससे रिक्वेस्ट कर लेना, थोड़ी देर को एक्स्ट्रा पैसे की बात कर लेना, वो ले जाएगा। पर अगर तुम अपने ट्रांसपोर्ट पे हो या तुम बाइक पे आए हो तो तुम जा सकते हो। तो नूरानांग वाटरफॉल से चिल करते हो तुम वापस आ जाओ और तुम तवांग पहुंच जाओगे शाम तक। अब तवांग में रुकना कहाँ है? देखो वहां पे भी होटल्स की कोई कमी नहीं है, होम स्टेज की कोई कमी नहीं है, बट अरुणाचल में हॉस्टल्स की कमी है। बट तवांग में एक जगह है जहाँ तुम्हें डॉर्मेट्री मिल सकती है, तो 500 रुपए शेयरिंग बेसिस पे तुम्हें वहाँ डॉर्मेट्री मिल जाएगी। उसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। बट मैं रुका था एक होम स्टे में जिसका नाम है दोंद्रुप होम स्टे। तो अगर तुम्हें किसी होम स्टे में रुकना हो तो दोंद्रुप होम स्टे में रुकना, काफी अच्छी जगह है। मतलब मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगी, रूम अच्छा था प्राइस के हिसाब से और होस्ट भी काफी अच्छा था। अब डे 5, आज हमें तवांग की साइट सीइंग करनी है। और तवांग में एक चीज जो तुम मिस नहीं कर सकते वो है तवांग गोम्पा, विच इज द लार्जेस्ट मोनास्ट्री इन इंडिया। तो तुम तवांग गोम्पा जाओ, वहाँ लाइब्रेरी में बैठ के तुम्हें काम करना है, चिल करना है, वो करो, वहाँ का स्कूल देखो, वहाँ का टेम्पल देखो, वहाँ पे प्रेयर्स देखो, वहाँ मंग्स से मिलो, मंग्स से बातें करो, मंग्स के साथ चिल करो। और तवांग गोम्पा का ही अपना एक अच्छा खासा कैफे है, वहाँ पे तुम बैठ के खाना पीना, थोड़ी कॉफी शॉफी चाय वाय पी सकते हो। अब इसके बाद हम जाएंगे तवांग के ओल्ड मार्केट में, वहाँ पे तुम जाओ घूमो, थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करनी है वो करो। बट जो मेन काम तुम्हें करना है ना वहाँ आज, वो है कि तुम या तो टैक्सी का जुगाड़ कर लो अगले दिन घूमने के लिए, क्योंकि थोड़ा दूर जाना है अगले दिन। और अगर टैक्सी नहीं चाहिए, बाइक ही चाहिए, जैसे हमने दरांग में बाइक ली थी, तो तुम्हें बाइक भी मिलती है, बाइक ही जहाँ मिलेगी उसकी डिटेल्स मैंने डाल दी है, वो माइक तवांग पे ही मिलेगी, उनसे ले लेना। और मार्केट घूमने के बाद तुम चले जाओ वहाँ के वॉर मेमोरियल में, वॉर मेमोरियल घूमो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हें वॉर मेमोरियल पर करनी है वो ये है कि हमें अगले दिन ना बुमला पास जाना है, और बुमला पास जाने के लिए परमिशन लगती है। तो तुम वो परमिशन के लिए वॉर मेमोरियल जाओ, वॉर मेमोरियल में वो थोड़ा टाइम लगेगा, उस परमिशन को सॉर्ट करवाओ वहाँ जाके, और तुम्हें अगले दिन सुबह को वो परमिशन का लेटर उठाना होगा। नाउ डे 6, आज हमें सुबह सुबह निकलना है तवांग के पास घूमने के लिए, जो दो मेन जगह है वहां के लिए, जो एक है बुमला पास और दूसरी है संगेटसर लेक। सो डे 6 की शुरुआत सुबह सुबह हो जाएगी, हम वॉर मेमोरियल जाएंगे, वॉर मेमोरियल से जो मैंने परमिशन की बात करी थी वो परमिशन उठाएंगे, उसका लेटर उठाएंगे, और वहां से हम निकल जाएंगे अपनी रोड ट्रिप की तरफ। और पहले हमें जाना है बुमला पास। अब बुमला पास जाने में 2 से 3 घंटे लगेंगे, और जो वहां की रोड ट्रिप है ना, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल रोड ट्रिप्स इन इंडिया हैंड्स डाउन। मतलब कोई डाउट ही नहीं है, वो बहुत ही सुंदर है, एकदम हरे लाल ब्राउन पहाड़ आएंगे। बस एक छोटी सी दिक्कत है कि वहाँ ना मौसम में हमेशा ना बादल रहते हैं, तो बहुत हेजी और बहुत बादल होंगे, तो कुछ लोगों को वो पसंद भी है। बट ठंड होगी अच्छी खासी, बादल होंगे, बट वो सुंदर बहुत है। और उस रास्ते में ना लेक्स बहुत आती हैं, वो सब देखते हुए ना हम पहुँच जाएंगे बुमला पास। अब हम बुमला पास क्यों हैं? बुमला पास जो जगह है वहाँ पे इंडिया चाइना से बॉर्डर शेयर करता है, नॉट चाइना एग्जैक्टली, तिब्बत से, बट तिब्बत को चाइना ने कब्जा रखा है। तो वहाँ जाना है तुम्हें, वहाँ की वादियाँ बहुत सुंदर है, और वहाँ पे ना फिर आर्मी वाले तुम्हें उस पॉइंट तक ले जाएंगे जहाँ पे बॉर्डर है। यहाँ पे तुम अपने आर्मी वालों के साथ खड़े होंगे, वहाँ पे चाइनीज सोल्जर्स खड़े होंगे, और वहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं था, तुम्हें वहाँ फुटेज नहीं है, बट वो जगह बहुत सुंदर है, वो एक्सपीरियंस करके आना, तिब्बत ऑक्यूपाइड चाइना देख के आना। और उसके बाद हमें निकलना है संगेतसर लेक की तरफ, जो कि 1.5 घंटा और दूर है। और ये सब घूमने के बाद हम वापस अपने होम से आ जाएंगे। नाउ अगले दिन डे 7 पे हम वापस अपनी टैक्सी या शेयरिंग सुमो पकड़ के चले जाएंगे, या तो ईटानगर या गुवाहाटी, जहां से भी तुम्हें घर वापस जाना। और ये थी हमारी एक वीक की अरुणाचल प्रदेश की आइटनरी। नाउ मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हारे पास एक दो दिन और हो ना, तो तुम्हें और क्या एक्सपीरियंसेस करने हैं। नाउ लेट्स से तुम्हारे पास 2 दिन और है, तो तुम क्या करना कि अगले दिन ना तवांग से ही एक जगह है ज़ेमीथांग, तुम वहां जा सकते हो, और 2 दिन के लिए ज़ेमीथांग चले आना। ज़ेमीथांग जाने में तुम्हें 3-4 घंटे लग जाएंगे। ज़ेमीथांग तुम पहुंचोगे ना, वो एक गांव है, वहां से ट्रैक वगैरह जाता है जहाँ से तुम भूटान बॉर्डर की तरफ जा सकते हो, तो वो देख के आना। अगर तुम मेरे से पर्सनली पूछो कि मेरी फेवरेट जगह है कौन सी थी अरुणाचल में, तो मैं एक तो कहूँगा दिरांग, क्योंकि मैं वहाँ 4-5 दिन के लिए रुक गया था, क्योंकि मुझे वहाँ के लोगों से प्यार हो गया था, मुझे बड़ा प्यार दिया उन लोगों ने और बहुत मजा आया उन लोगों के साथ, तो मैंने उन लोगों के साथ बड़ा चिल किया, मैं वहाँ रुका था। और दूसरी जगह जो है वो है जीरो, वो मैंने इस आइटनरी में रखी है, वो थोड़ा दूर है, वो सेंट्रल अरुणाचल में आती है। जीरो में तभी बोलूंगा जाने को सितंबर अक्टूबर के टाइम, क्योंकि तब वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है, जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, जहाँ दुनिया भर से 40 इंडी म्यूजिशियंस आते हैं और एक से एक ट्रैवलर लोग आते हैं वहाँ पर। तो उसी टाइम जाना जीरो म्यूजिक फेस्टिवल के टाइम, तभी जीरो को भी घूमना और इस फेस्टिवल के मजे भी लेना। ना अगर तुम्हें इन जगह की स्पेसिफिक डिटेल्स और एक्सपीरियंशियल वीडियो चाहिए ना, कि तवांग में कैसा एक्सपीरियंस होगा, दिरांग में कैसा एक्सपीरियंस होगा, और अगर तुम जीरो भी जाने की सोच रहे हो तो जीरो में कैसा एक्सपीरियंस होगा, उस फेस्टिवल में कैसा एक्सपीरियंस होगा, तो इन सब पे मैंने वीडियोज ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो सारी वीडियो चेकआउट करना, लिंक डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पे आई बटन भी आ गया होगा, उस पर भी कर लेना। और वो वीडियो जरूर चेकआउट करना, क्योंकि उसमें तुम्हें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस देखेगा कि मुझे कितना मजा आया, मैंने क्या क्या किया, वहाँ के लोग कैसे हैं वो देखेंगे तुम्हें, वो वादियाँ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो कैसी है, वहाँ पे मैंने क्या क्या किया वो सब देखेगा। और अगर तुम इस आइटनरी को यूज करके जाते हो अरुणाचल, तो प्लीज लेट मी नो तुम्हारी ट्रिप कैसी रही, गजब ही जाएगी आई एम श्योर। टिल देन,
ट्रैवल मोर, मीट यू पीपल मोर, टॉक टू पीपल मोर, अपनी कहानियां सुनाओ, उनकी स्टोरी सुनाओ, हंसो, मुस्कुराओ, खुश रहो, क्योंकि क्या पता कल हो रहा हो।